वेलकम बैक टू माय चैनल पद्मा यूट्यूबर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो भी सुबह में सारा काम वगैरह था तो वो मैंने ख़त्म कर दिया था और दोपहर का खाना भी हो गया था। तो उसके बाद जो तरबूज है तो बस उसको मैं अभी काट रही हूँ। पहले मैं तरबूज को काट लूँगी और उसके बाद मैं उसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी और ठंडा होने के बाद ही खाएंगे हम, क्योंकि जो ठंडा तरबूज होता है वो ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है मुझे और खाने में भी और ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं सबसे पहले जो तरबूज है उसको मैं काट लेती हूँ और उसके बाद मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद शाम को मुझे वापस से जो प्लांट है उसमें पानी वगैरह देना था, क्योंकि सुबह में तो गमलों में पानी डाला था लेकिन अभी मौसम जो चला हुआ है गर्मी का तो उसकी वजह से सुबह में पानी डालने के बावजूद शाम होते होते पूरा पानी, मतलब कि जो मिट्टी होती है उसमें तिराड़ सी दिखती है, तो वापस से पानी डालना ही पड़ता है, नहीं तो सारे पौधे वगैरह है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए बस मैंने शाम को सारे पौधों में पानी डाल दिया था और पानी डालने के बाद वापस मैं पाइप वगैरह ठीक से रख रही हूँ। उसमें जो भी पानी वगैरह है तो बस वही सारा पहले मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही रख दूँगी तो फिर जब हम पाइप रखते हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत जो पानी हो बचता है तो वो निकलने लगता है। इसकी वजह से फिर मैंने अच्छी तरीके से निकाल लेती हूँ और उसके बाद ही मैं पाइप को वापस से रखती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको जो मेरे प्लांट है तो उसमें जो थोड़े बहुत फ्लावर्स वगैरह आए हुए हैं तो वो दिखाती हूँ। ये देखिए पानी तो मैंने डाल दिया है और ये फ्लावर्स, अभी तो सारे फ्लावर्स कितना टाइम हो गया तो वो हो गए, मतलब कि मुरझा गए हैं। और ये देखिए कड़ी पत्ता भी कितना अच्छा ग्रो हो रहा है।
तो बस ये सारे प्लांट हैं मेरे और अच्छी तरीके से ग्रो भी हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अब वापस दूसरे सारे काम भी निपटाने हैं, क्योंकि काम तो एक के बाद एक चलते ही रहते हैं जो कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो चलिए चलिए चलते हैं अभी अंदर। पौधे में पानी वगैरह दे दिया है, क्योंकि अभी क्या होता है कि शाम के टाइम पे भी लाइट ऑन कर देती हूँ अभी बहुत। इस वाले रूम में तो चलेगा बाद में। अदरक वाली बनाती हूँ, क्योंकि अदरक के बिना चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। और जैसे कि अभी जो भी पता नहीं किस टाइप का मौसम चला हुआ है, सुबह में लगता है कि जैसे अभी बारिश होने वाली है और दोपहर में एकदम धूप और फिर ठंडा बहुत ज़्यादा पवन वगैरह, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी अदरक काली मिर्ची सब कुछ बहुत ज़रूरी हो गया है। और अभी तो सुना है कि काफ़ी जगह पर वापस से लॉकडाउन वगैरह भी लगने लगा है, ऐसा कुछ भी है तो पता है नहीं अभी क्या होगा क्या नहीं, क्या होने वाला है देखते हैं अभी क्या होता है, लॉकडाउन लगता है क्या है। वैसे भी कर्फ्यू टाइम तो रात के 9 बजे से स्टार्ट हो ही जाता है, और सूरत में वगैरह तो 144 जो कलम है वो लगी हुई है ऑलरेडी, और अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है वापस से वो सब सिचुएशन, क्योंकि अभी वापस से बहुत सारे केसेस वगैरह आ रहे हैं तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं, देखते हैं अभी क्या चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी हुई है अभी सारी जगह पे। अभी तो ऐसा टाइम है किसी के घर पे जा भी नहीं सकते ऐसा है सब कुछ। चलिए जो होगा देखते हैं। और अभी वैक्सीन वगैरह भी लगाना स्टार्ट हो गया है, अभी तो आई थिंक 45 के ऊपर जिसकी एज है उसकी भी स्टार्ट हो गई है वैक्सीन, तो सबको लगानी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए ही है। फिर सबकी मर्जी है भाई अपनी अपनी लगाना ना लगाना, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो फिर लगा लेनी चाहिए। अभी मेरी मम्मी वगैरह भी बोल रहे हैं कि लगानी है वैक्सीन, सोच अभी मतलब कि देखते हैं कब आता है क्या है। Thank you.
Thank you.
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।